फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज. एज यू कैन सी साइन सीरीज मतलब बी एन सॉल्व करना है. एंड द फंक्शन इज गिवन एक्स एंड पाई माइनस एक्स. द रेंज इज 0 टू पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू पाई. सो दिस टाइम इट इज डायरेक्टली गिवन साइन सीरीज. इसका मतलब हमें प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देना है बी एन से. वॉट इज द बी एन फॉर्मूला फॉर हाफ रेंज? इट इज 2 अपॉन एल हैविंग इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू एल and having the function inside f of x or f of x ke baazu mein sin n pi x by l dx. This is what we have the bn's formula. What is l over here? We see the entire range of the problem 0 se lekar pi tak. Matlab pura range hai 0 se lekar l. L value is pi over here. And what about the function? Function do do hai bhai. So what we need to do, let's see. We'll write here bn is equals to 2 upon going to be pi and integration is going to be having limit from 0 to pi. Right now I'm not writing any function because function do do hai, to mujhe sirf pehle fx sin nx dx likhna hai because l is pi. In the next line, in the next step, what I will do is now 2 upon pi main isko divide karunga do parts mein. I will write first integration from 0 to pi by 2 actually. Okay, let me see, pi by 2. Or 0 to pi by 2 ke liye function aap dekh rahe hain, the function is x. So it is going to be x and after that sin an x dx. Phir plus, I'll start a new integration that is going to have limit from pi by 2 to pi. पाई बाय टू से पाई दूसरा लिमिट हो गई और उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है पाई माइनस एक्स एंड विद दैट वी हैव साइन एन एक्स एंड डी एक्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर. दो इंटीग्रेशन अलग अलग है. मैं दोनों को हाईलाइट भी कर लेता हूँ. एक्स जो रहेगा ना वो अपना रेड फंक्शन, पाई माइनस एक्स भी रहेगा अपना रेड फंक्शन और साइन एन एक्स एज यूजल वी है that is going to be our blue function. We have a red into blue case over here. Red into blue. वही sin nx यहाँ पर भी है as a blue function. तो we have u into v cases both the place. तो u into v दो apply करने. चलिए apply करते हैं. Let us try it. We have bn equal to 2 upon pi. The integration's first one. पहली बार x constant है. Integration of sin होता है minus cos. माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, बट डिवाइड बाय इट इज गोइंग टू बिकम एन स्क्वायर. ये एक यू इंटू वी फिनिश हो गया. जीरो टू पाई बाय टू वाला लिमिट, वन इन यू इंटू वी डन. सेकेंड यू इंटू वी पे आते हैं तो सेकेंड यू इंटू वी में पाई माइनस एक्स रिमेन सेम. उसके बाजू में वंस अगेन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. फिर पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन और उसके बाजू में इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स एंड डिवाइड बाय एन स्क्वायर. एंड यहाँ पे लिमिट्स खत्म हो जाएगी फ्रॉम व्हाट यू से पाई बाय टू से लेकर पाई. सी ऑल सेट नो. हाँ एक लाइन में पूरा आ गया और फिर मुझे ब्रैकेट बनाना है, कर्ल ब्रैकेट कंप्लीट. तो ये दोनों यू इनटू वी मैंने अप्लाई कर दिया. x first time as it is sin nx ka minus cos nx upon n. फिर minus होता है x का derivative 1 होगा and minus cos nx upon n का फिर integrate किया तो minus sin nx upon n square होगा. similarly second part has pi minus x as it is sin nx ka minus cos nx upon n. pi minus x का derivative 0 minus 1 and minus cos nx upon n का again integration minus sin nx upon n square. कहीं पर भी कोई भी टर्म को हम लोग ओमिट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमको आदत थी ना साइन को ओमिट करना. यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ पाई बाय टू. साइन का पाई बाय टू एग्जिस्ट करता है इसलिए ओमिट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर भी पाई बाय टू है तो इसलिए डायरेक्टली ओमिट नहीं करते हैं हम लोग. अगले स्टेप पर है ना सब्स्टिट्यूट बराबर से करते हैं. सो वी डोंट डू इट डायरेक्टली ओमिशन. अगले स्टेप पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, होपफुली वो सिंप्लीफाई होगा. देखिए कैसे. वी राइट बी एन इक्वल टू 2 अपॉन पाई. I am going to start with first upper limit. X की जगह मुठ्ठी पुट करना है पाई बाई टू. तो वी हैव
एक्स की जगह पर पाई बाय टू इनसाइड द ब्रैकेट माइनस कॉस का एन एंगल, कॉस का एंगल है एन पाई बाय टू राइट, ये डिवाइड बाय एन भी है, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ माइनस माइनस प्लस। उसके बाद साइन का एंगल है एन पाई बाय टू, एन पाई बाय टू एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो ये अपर लिमिट्स हो गए राइट। फिर माइनस आई स्टार्ट विद द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लेकिन इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्स की जगह पर जीरो, सो दिस जीरो मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग गोइंग टू बिकम जीरो। फिर माइनस फर्दर मोर एक्स की जगह जीरो साइन के एंगल में जाएगा तो साइन जीरो जीरो होता है तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो एटलीस्ट इसका लोअर लिमिट दोनों भी जीरो है। लेट इस गो टू द सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट वी हैव टू स्टार्ट विद एक्स का वैल्यू पाई, व्हेन आई पुट एक्स इक्वल टू पाई, पाई माइनस पाई भाई ये तो जीरो हो रहा है जीरो माइनस, फिर माइनस इनटू माइनस इनटू माइनस, देयर आर थ्री माइनस साइन तो माइनस ठीक है, फिर साइन का पाई बट साइन का पाई भी तो जीरो होता है तो साइन का पाई भी जीरो हो गया, दोनों अपर लिमिट जीरो हुई। लास्ट ब्रैकेट में अपर लिमिट थ्री लेकिन लोअर लिमिट जीरो थी, यहाँ अपर लिमिट जीरो है लेकिन लोअर लिमिट आएगी, तो केयरफुल विद द लोअर लिमिट नाउ। लोअर लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पर पाई बाय टू, कम ऑन सब्स्टिट्यूट पाई माइनस पाई बाय टू, पाई माइनस पाई बाय टू से ये बन जाएगा पाई बाय टू। उसके बाजू में माइनस कॉस के एंगल में एन पाई बाय टू हो रहा है और उसको डिवाइडेड बाय एन भी रहना है। फिर माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, सी कितने माइनस साइन है, माइनस 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 तीन माइनस साइन है और लोअर लिमिट की भी माइनस साइन आ रही है, सो इट बिकम इवेंचुअली प्लस। और फिर आप साइन का एंगल लिखेंगे साइन एन पाई बाय टू एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, तो हमने फर्स्ट लिमिट भी पुट कर दिया, सेकेंड लिमिट भी पुट कर दिया। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में विल जस्ट सिंप्लीफाई द साइंस एक्चुअली प्रॉपरली टू बाई पाई, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बचते जा रहा है। माइनस कॉस की साइन पहले ले लेते हैं तो ये जाएगा माइनस पाई बाई टू और उसके बाजू में लिखते हैं कॉस का एंगल एन पाई बाई टू और ये पूरा डिवाइड बाई एन, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। प्लस सेकेंड पार्ट साइन, साइन का एंगल एन पाई बाई टू एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। साइन एन पाई बाय टू की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, लेट अस सी आगे के देख के क्या होगा। आगे जाकर देखते हैं तो माइनस ये सब तो जीरो है, वी सी माइनस इनटू माइनस ये बन जाएगा प्लस पाई बाय टू, वी हैव अ प्लस पाई बाय टू और उसके बाजू में कॉस और कॉस के एंगल में एन पाई बाय टू और कॉस का डिविजन है एन से, ये भी एक पार्ट हो गया। फिर प्लस हम देख रहे हैं साइन एंगल एन पाई बाई टू और डिवाइड में आ रहा है इसके एन स्क्वायर। फाइनली सारे टर्म्स हमने लिख लिया, वंस वी हैव रिटन दैट वी ऑब्जर्व यार ये जो कॉस का टर्म है माइनस पाई बाई टू कॉस एन पाई बाई टू उसके साथ उसका भाई है प्लस पाई बाई टू कॉस एन पाई बाई टू, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। साइन एन पाई बाई टू एंड साइन पाई बाई टू देख लें तो दे बोथ आर प्लस साइंस, मतलब ये दोनों एड हो जाएंगे, तो वॉट इज गोइंग टू बी एन इज इक्वल्स टू, वी सी बी एन इज इक्वल्स टू टू अपॉन पाई इनसाइड द ब्रैकेट बनता है टू टाइम्स साइन ऑफ एन पाई बाई टू एंड कंप्लीटली डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये बन गया भाई टर्म। हाउ फाइनली आंसर वी शुड राइट इट एज, देखिए ए जीरो ए एन करना ही नहीं था, ओनली बी एन है। वॉट इज द न्यूमरेटर गोइंग टू बी, टू टू जो फोर, साइन का एंगल एन पाई बाई टू एंड वॉट डिनोमिनेटर वी हैव इज पाई एन स्क्वायर, तो ये बी एन को हम लोग कर लेते हैं हाईलाइट बिकॉज दिस इज वॉट वी हैव गॉट बी एन इक्वल टू बी एन पता चल गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं फोर ईयर सीरीज बिकॉज इसमें ए जीरो भी नहीं था ए एन भी नहीं था, नाइन नीड टू फाइंड आउट द फोर ईयर सीरीज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द फोर ईयर सीरीज गोइंग टू बी समेशन फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी हैविंग बी एन और उसके बाजू में साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो एफ एक्स क्या है भाई, एफ एक्स कोई एक नहीं है, यहाँ पर दो दो एफ एक्स था तो इसलिए एफ एक्स फाइनली कुछ लिख नहीं सकते हैं। हाँ ये समेशन हम कॉपी कर सकते हैं, समेशन के अंदर जो बी एन है वो भी लिख सकता हूँ मैं, बी एन फोर टाइम साइन एन पाई बाई टू है,
तो मैं बी एन की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, और साइन का एंगल भी इतना सारा नहीं होगा, साइन का एंगल विल बिकम जस्ट एन एक्स। तो ये हमारा हो गया फोरियर सीरीज का आंसर। नो स्पेसिफिक एफएक्स कैन बी रिटन बिकॉज इन द प्रॉब्लम देर आर टू एफएक्स। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दो एफएक्स हैं। तो अब क्वेश्चन ने बोला है हेंस फाइंड 1 अपॉन n रेज़ टू 4। भाई रेज़ टू 4 हम लोग जानते हैं तो पार्सेवल से होता है, और दूसरा वाला पाई स्क्वायर बाय 8 ये सॉल्व होता है फोरियर से। पहले फोरियर करते हैं बाद में पार्सेवल्स करेंगे। तो फोरियर करने के लिए लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट एंड सॉल्व इट। fx इज इक्वल्स टू आई विल रिमूव 4 अपॉन पाई को आउटसाइड ना, और समेशन के अंदर जो टर्म है उसको मैं लिख लेता हूं। पहले क्या टर्म है देखते हैं जरा। टर्म है साइन एन पाई बाय 2। आई विल राइट द टर्म प्रॉपरली। उसके बाजू में साइन एन एक्स, और ये पूरा डिवाइड बाय एन स्क्वायर। दिस इज माई टर्म जिसके अंदर एन का वैल्यू पुट होने जाएगा। भाई एन का वैल्यू क्या पुट होगा? एन का वैल्यू पहली बार 1 पुट होगा, फर्स्ट टाइम 1। डिनोमिनेटर में भी एन की जगह पे 1। आई विल कॉपी दिस थिंग अगेन, और अब एन का वैल्यू मैं 2 पुट करने जा रहा हूँ। 2 साइन एन एन एक्स साइन 2x हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एन का वैल्यू 3 पुट करना है, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, साइन ऑफ 3x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से दिस टर्म विल गो ऑन। हमने इतने सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म्स आर इनफ। अब हमें साइन की पाई बाई 2, साइन की 2 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 के वैल्यू में पता बारे में पता होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू वी गेट 4 अपॉन पाई। देखिए पहला वाला है साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है ओनली 1। तो फर्स्ट आंसर बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर। एक्चुअली सेकेंड पर जाते हैं। अब ये 2 अपॉन 2 कैंसिल होकर साइन ऑफ पाई बन जाएगा। भाई साइन ऑफ पाई तो 0 होता है, तो डायरेक्टली हो जाएगा 0। तीसरा साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1। तो ये बनेगा माइनस साइन 3x एंड डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर फिर क्या होगा पता है? 4 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 5 वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, साइन 5x अपॉन 5 स्क्वायर। फिर 6 वाली वैल्यू 0 होगी, प्लस 7 वाली वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन 7x एंड डिवाइड बाय 7 स्क्वायर। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर। व्हाट इज हैपनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इवन वाले तो 0 हो रहे हैं। क्यों 0 हो रहे हैं? बिकॉज ये साइन ऑफ इवन पाई बाई 2। इवन पाई बाई 2 में 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 ये सब कैंसिल हो जाएगा। वो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई बनता जाएगा, और साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई की वैल्यूज 0 होती है। ये लोग बच जाएंगे बिकॉज ये साइन 1 पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 3 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू -1 होती है, फिर साइन 5 पाई बाई 2 आएगा वैल्यू 1 होती है, साइन 7 पाई बाई 2 आएगा वैल्यू -1 होती है। तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस बन जाता है। तो फाइनली हमें सीरीज जैसे चाहिए ना मिल गई है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अरे वाह परफेक्ट है, जैसे सीरीज चाहिए थी। देखिए सीरीज यही है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। हमें अब लाना है पाई स्क्वायर बाय 8। उसके लिए मुझे पुट करना है एक्स का वैल्यू। हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं इस टाइप के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के। साइन के सीरीज के लिए हमेशा आपको क्या पुट करना चाहिए? ए की वैल्यू भाई पाई बाय 2। पाई बाय 2 पुट करो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई। व्हाट बिकम्स इनसाइड इज साइन ऑफ पाई बाय 2, ये पहला टर्म बना, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। ये माइनस कर लेता हूं बीच में। साइन ऑफ इट इज 3 पाई बाय 2, दिस इज डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। अगला टर्म साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। फिर माइनस है साइन ऑफ 7। आई एम राइटिंग सो मेनी टर्म्स ताकि आपको क्लियर समझ में आए, डिवाइड बाई 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। बिकॉज साइन की पाई बाई 2 वैल्यूज ही एग्जिस्ट करती है, तो वो हमने लिख लिया। अब साइन के पाई बाई 2 वैल्यूज हमारे पास होती है, वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट एक प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, एफ पाई बाई 2 क्या है भाई? तो उसके लिए पीछे जाकर देखते हैं। फंक्शन में एक्स की जगह पाई बाई 2 पुट करना है, तो मुझे डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन लेना है, एक्स लेना है कि पाई में, कोई भी लेंगे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू चेक पाई बाई 2 कहाँ पर है। और पाई बाई 2 लास्ट प्रॉब्लम में सीखा था पाई बाई 2 इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है टर्म, तो फिर आपको एफ एक्स को
मिड पॉइंट बनाना पड़ता है. तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी सी दैट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू वी आर गोइंग टू हैव इन द न्यूमरेटर एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स एंड डिवाइडेड बाय टू. ये फॉर्मूला बनेगा. कभी भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे अगर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो पहले दोनों फंक्शंस का एवरेज निकालना पड़ेगा. अब दो फंक्शंस क्या क्या है देख लीजिए. एक फंक्शन एक्स है, दूसरा फंक्शन पाई माइनस एक्स है. तो न्यूमरेटर में आपको एक्स को ऐड करना है विद पाई माइनस एक्स एंड देन यू कैन राइट डिवाइड बाय टू. बट ये सॉल्व होने के बाद क्या बन रहा था, ये सॉल्व होने के बाद बन जा रहा है पाई बाय टू. तो हमें वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पता चलेगी, पाई बाय टू इटसेल्फ है. तो वी कैन नाउ पुट इट इन द क्वेश्चन. अब हम लोग इस पर आ जाते हैं, ये वाला मैं इसको ही यहां ले लेता हूं, इसके बाद लिख लेता हूं. दस हमारा सोल्यूशन क्या बन रहा है देखिए. एफ ऑफ पाई बाय टू, अभी हमने देखा एफ ऑफ पाई बाय टू वैल्यू इज एक्चुअली पाई बाय टू, मतलब आप इधर लिख सकते हैं पाई बाई टू. और अब वैल्यूज साइन पाई बाय टू, भाई साइन पाई बाय टू की वैल्यू तो वन होती है, ठीक है. साइन थ्री पाई बाय टू, भाई साइन थ्री पाई बाय टू की वैल्यू तो माइनस वन होती है, ओके. साइन फाइव पाई बाय टू, साइन फाइव पाई बाय टू की वैल्यू वन होती है. साइन सेवन पाई बाय टू, साइन सेवन पाई बाय टू की वैल्यू माइनस वन होती है. तो सी व्हाट इज हैपनिंग, भाई माइनस का माइनस प्लस हो रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर को डिवाइड, सो इट बिकम पाई स्क्वायर बाई एट. एंड व्हाट इज ऑपोजिट साइड, वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर प्लस वन अपॉन सेवन स्क्वायर. तो जो प्लस माइनस था ना वो इवेंचुअली प्लस 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 हो गया. दिस इज व्हाट इज द डिडक्शन रिक्वायर अस टू गेट. ये आ गया हमारा स्क्वायर वाला डिडक्शन पहले. अब इसके बाद करते हैं पार्सेवल्स वाला डिडक्शन, बिकॉज द क्वेश्चन इवन रिक्वायर्स पार्सेवल्स का डिडक्शन. पार्सेवल्स आपको यूज करना पड़ेगा हाफ रेंज का, जो होता है वन अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल. और फंक्शन होता है इसके अंदर एफ एक्स, सॉरी कैपिटल लिख दिया, स्मॉल एफ एक्स द होल स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू विच इज ए जीरो, तो इसमें है नहीं ए एन भी नहीं है, सो इट इज हाफ समेशन फ्रॉम वन टूवर्ड्स इंफिनिटी और अंदर आ जाएगा सिर्फ बी एन का स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्सेवल्स आइडेंटिटी ऑफ हाफ रेंज. अब यहाँ टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, भाई वन अपॉन एल नहीं, एल की जगह तो पाई है, ठीक है. फंक्शन एक नहीं दो दो है, एक इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू का है. और पहला वाला फंक्शन हमने देखा एक्स है, उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है. दूसरा इंटीग्रेशन जो है वो फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई है, उसका फंक्शन आप देख रहे हैं तो पाई माइनस एक्स है, इसका भी लिखना पड़ेगा स्क्वायर डी एक्स. तो दोनों फंक्शंस को आपको स्क्वायर लिखना है, दोनों की अपनी अपनी लिमिट्स डिफरेंट है. ऑपोजिट साइड इक्वल टू हाफ समेशन, ओके. समेशन की लिमिट अंडरस्टूड है इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं. बी एन टर्म क्या था भाई, बी एन टर्म ये था फोर साइन एन पाई बाय टू अपॉन पाई एन स्क्वायर, वो मैं यहां ले लेता हूं. और इंपॉर्टेंट है इनका स्क्वायर करना है, तो फोर का स्क्वायर होगा तो सिक्सटीन, साइन का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर, और पाई का स्क्वायर होगा तो पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो बनेगा एन रेस टू फोर ना. एवरी क्वांटिटी गोइंग टू गेट स्क्वायर्ड, हर चीज स्क्वायर्ड हो जाएगी. अब आगे पढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. वी हैव वन अपॉन पाई, इनसाइड दैट इंटीग्रेशन करते हैं. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल होता है, एक्स क्यूब
by 3, x cube by 3. यहां लिमिट जरूरत पड़ रही है 0 से लेकर पाई बाय 2. दूसरा पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर, पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन 3. और 3 के बाजू में एक और चीज फॉरगेट नहीं करना है, इनटू माइनस 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. और लिमिट्स इसकी हो रही है पाई बाय 2 टूवर्ड्स पाई. तो दोनों इंटीग्रेशन यहां पर फिनिश हो गए इजीली. x square का इंटीग्रेशन x cube by 3, pi minus x the whole square का इंटीग्रेशन pi minus x the whole cube upon 3 into minus 1, that is coefficient of x आ जाएगा. अब सामने की तरफ 16 common, denominator से pi square भी common, summation के बाहर लेते हैं. तो summation के inside क्या बच रहा है? Summation के inside sin square, उसके angle में n, पाई बाय 2 और उसके डिवीजन में n रेस टू 4. तो 16 कॉमन ले लिया है, पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया है और साइन स्क्वायर n पाई बाय 2 डिवाइड बाय n रेस टू 4, दिस हैज रिमेंड. हाँ, आगे सिंप्लीफाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1 अपॉन वी हैव पाई, लिमिट्स पुट किया तो x की जगह पाई बाय 2 पुट करने से पाई क्यूब बाय 8 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 3 भी है इसलिए इट इज गोइंग टू बिकम पाई क्यूब बाय 24. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट व्हिच इज 0 प्लस सेकंड ब्रैकेट में आने के बाद x की जगह पाई पुट करने से तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा और x की जगह पाई बाय 2 पुट करने से तो पाई माइनस पाई बाय 2 इज पाई बाय 2 उसका क्यूब व्हिच इज आल्सो पाई क्यूब. Sorry, what type ho gaya? Which is also going to be pi cube by same as last time, pi cube by minus 24 ho jayega. Ye difference hai. Kyunki already niche minus 3 hai. 8 3 za minus 24 ho jayega aur lower limit ki minus sign. Opposite side, 8 upon pi square you have. Aur ab main summations ko open karne ja raha hoon. n की जगह पुट करने जा रहा हूं 1, तो डिनोमिनेटर में भी n की जगह पर 1. उसके बाद सेकंड टर्म n की जगह पुट करने जा रहा हूं 2, इन प्लेस ऑफ n 2, डिनोमिनेटर में भी 2 रेस टू 4. थर्ड प्लेस पर n की जगह पुट करने जा रहा हूं 3, इन प्लेस ऑफ n 3, और डिनोमिनेटर में भी 3 रेस टू 4, एंड सो ऑन. We have understood that it goes. Left hand side simplify kya ho raha hai bhai? Pi cube by 24 and minus minus plus wo bhi pi cube by 24. So 1 upon pi and into the bracket you get 2 pi cube by 24. Right hand side 8 upon pi square. What inside the bracket? साइन पाई बाय 2, भाई साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, उसका स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा. 1 अपॉन 1 बेस टू 4 पहला टर्म, दूसरा 2 1 2 कैंसिल आउट, साइन पाई तो 0 होता है तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा. प्लस तीसरा टर्म साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 तो माइनस 1 होता है लेकिन स्क्वायर है. ओके, स्क्वायर तो इसका मतलब माइनस 1 हैज टू बी रिटन एज स्क्वायर्ड अपॉन 3 रेस टू 4. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा. उसके बाद अगला टर्म क्या होगा? 1 स्क्वायर 1 अपॉन 5 रेस टू 4, उसके बाद टर्म 0, फिर आफ्टर दैट माइनस 1 स्क्वायर बट अपॉन 7 रेस टू 4. तो ये टर्म्स विल लुक लाइक दिस, पॉजिटिव 1 0 नेगेटिव 1 0 पॉजिटिव 1 0 नेगेटिव 1 0. ये भी एक्चुअली 1 स्क्वायर है, मैंने चाहिए तो अभी लिख लेता हूँ, 1 स्क्वायर है ये भी, 1 स्क्वायर, और वो सब माइनस 1 स्क्वायर है. व्हाट मोर सिंप्लीफिकेशन वी गेट? लेफ्ट हैंड साइड हो गया है पाई स्क्वायर बाय व्हाट 12 आई गेस, बाय 12, और 8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट हो गया 1 अपॉन 1 रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन
3 raised to 4 plus 1 upon 5 raised to 4 plus 1 upon 7 raised to 4 and so on. Ye aa gaya hamara series. Pi square cross multiply, 8 cross divide. What does the answer become? Bhai answer aa jata hai pi raised to 4 and 12 8s are 96 and equal to our required series. तो ये हमारी सीरीज बन गई. वी हैव टू सी क्या यही आंसर है क्वेश्चन का. 1, 3, 5, 7 एंड ऑल रेस टू 4. देखते हैं जाकर यही क्वेश्चन का आंसर है क्या. नहीं नहीं, क्वेश्चन ने तो पूछा है 1 upon n raised to 4 और n का मतलब होता है ऑल द टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 और हमें तो सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? आसान तरीका है इसका. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. ये जो रिजल्ट आया ये हमारे काम आएगा. लीव इट. आगे जाकर हम लोग लिखते हैं लेट. पार्सेवल्स तो हमारा बन चुका है और कोई पार्सेवल्स नहीं बना सकते. 1 upon 1 raised to 4 प्लस 1 upon 2 raised to 4 प्लस 1 upon 3 raised to 4 प्लस 1 upon 4 raised to 4 प्लस एंड सो ऑन. एक सीरीज अज्यूम कर रहे हैं एज कैपिटल एस. कैपिटल एस स्टैंड्स फॉर सीरीज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने अज्यूम किया हुआ है. Which is further equal to capital S equal to, हम सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करने जाएंगे. एक पार्ट है ना ऑड नंबर्स वालों का. 1 upon 1 raised to 4 प्लस 1 upon 3 raised to 4 प्लस 1 upon 5 raised to 4 एंड सो ऑन. प्लस एक दूसरा पार्ट है इवन नंबर वालों का. 1 upon 2 raised to 4 1 upon 4 raised to 4 1 upon 6 raised to 4 एंड सो ऑन. Getting it? S को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया. Odds अलग, evens अलग. Which is further, capital S is equals to. अब जो odds है ना, odds का रिजल्ट हमारे पास रेडी है. हाँ, odds का रिजल्ट तो है. Odds की जगह पर हम लिख सकते हैं pi raised to 4 by 96. Evens नहीं है हमारे पास. तो evens के लिए काम ये कर सकते हैं. सब जगह 2 raised to 4 common है. If I remove common, पहला टर्म बनेगा 1 upon 1 raised to 4, दूसरा टर्म बन जाएगा 1 upon 2 raised to 4, तीसरा बन जाएगा 1 upon 3 raised to 4. Are you seeing that? I have taken 2 common from everywhere. यहाँ 2 का 1 हो गया, यहाँ 4 का 2 हो गया, यहाँ 6 का 3 हो गया और आगे इसी तरह से सीरीज आएगी. अब ये सीरीज आप देखें तो ये क्या है एक्चुअली. दिस इज सेम एज एस. दिस इज सेम एज एस. So it will be equal to S equal to pi raised to 4 by 96, that is same, plus 1 upon 2 raised to 4 is 1 upon 16 और बाजू में पूरा ब्रैकेट जो है ना वो S बन गया. S. तो हम लोग ये 1 upon 16 S को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, मतलब माइनस S by 16 हो जाएगा equal to pi raised to 4 by 96. Which I cross multiply and simplify, तो बन जाएगा 15s by 16 equal to pi raised to 4 by 96. और finally हमें आंसर लिखना है s equal to pi raised to 4 by 96 multiplied with 16 by 15. है ना, cross multiply हो जाएगा. And what does s equal to become? Pi raised to 4 by, if you check, it is going to be 90. ये हमारा रिजल्ट बन गया. यही क्वेश्चन को चाहिए था. पाई रेस टू 4 बाय 90 किसका रिजल्ट है इक्वल टू 1 upon 1 raised to 4 1 upon 3 raised to 4 1 upon 4 raised to 4 का रिजल्ट. ये क्वेश्चन ने डिमांड किया था, नॉट दैट. तो हमने वो गलत नहीं किया, वो राइट किया हुआ है. पार्सेवल्स ने हमें ये आंसर दिया. पार्सेवल्स से दूसरा जनरेट कर सकते हैं. पार्सेवल्स कभी भी याद रखना यूनिक होता है, एक ही हो सकता है. दूसरा अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो वो कुछ इसी तरह का एस एडजस्टमेंट से, वरना पार्सेवल आप सेकंड क्रिएट नहीं कर सकते. फोरियर सीरीज के डिडक्शन मल्टीपल क्रिएट होते हैं. फोरियर सीरीज में क्योंकि एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है, अलग अलग एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अलग अलग सीरीज बनाई जा सकती है. पार्सेवल्स में कोई एक्स वैल्यू नहीं होती. जब पार्सेवल सॉल्व हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, तो एक्स कहीं नहीं होता है. तो पार्सेवल्स इज ऑलवेज यूनिक. अगर यही पार्सेवल्स नहीं पूछ रहा है तो ये एस वाला मेथड लगाना है. ये मैंने इससे पहले भी एक प्रॉब्लम में कर चुका हूँ. ये एस वाला मेथड लगाकर आपको दूसरा रिडक्शन ऑब्टेन